हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग DOL स्टार्टर को देखेंगे। DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और इंडस्ट्री में DOL स्टार्टर का बहुत ही यूज किया जाता है मोटर को रन कराने के लिए, मोटर हो या पंप हो, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग और ये भी सब कुछ जो देखने वाले हैं एक ड्रॉइंग के ऊपर देखेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। साथ ही में मैं आपको इसमें लगने वाले मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा मटेरियल लगता है, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट, मतलब जो भी पॉइंट होगा, हर चीज पॉइंट को आपको कवर करके मैं इसको बताने वाला हूं, और ड्राइंग पे तो आपको 110% समझ में आ ही जाएगा। ये ड्राइंग भी मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ में कि आप देख सकते हैं इसको, और अपने तरीके से आप बार बार ड्राइंग को देखेंगे तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा और समझना और ईजी हो जाता है कोई भी चीज अगर बार बार आप देखते हैं तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर नए भी होंगे, आपको ड्राइंग देखने नहीं भी आता तो भी आपको यह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। मैं इस वीडियो से पहले भी बहुत सारे ड्राइंग पे वीडियो बनाया हूं, जैसे VFD स्टार्टर, DOL स्टार्टर का मैं पावर वायरिंग भी बता चुका हूं प्रैक्टिकली, और DOL स्टार्टर का भी बताया हूं। तो आपको हमारे चैनल पे सारे स्टार्टर की ड्राइंग मिल सकती है, उसके साथ साथ में आपको कैसे किया गया है वो भी मैं समझाऊं, तो वो भी सब मिल सकता है। तो आज के चलिए वीडियो DOL स्टार्टर को समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं, बिल ऑफ मटेरियल देखेंगे कि बिल ऑफ मटेरियल क्या है। मतलब बिल ऑफ मटेरियल का मतलब यह है कि उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगने वाला है वो उस स्टार्टर को अगर बनाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे पावर वायरिंग। पावर वायरिंग बहुत ही ईजी होता है, तो आपको एक ही बार में वो समझ में आ जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो कंट्रोल वायरिंग है, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग पे ही पूरा हमारा स्टार्टर डिपेंड करता है कि कैसे उसको कंट्रोल हम लोग किए हुए हैं। तो सब कुछ ईजी है, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए एकदम आराम से, ठीक है। मैं इसका ड्राइंग भी दूंगा तो और भी ईजी हो जाएगा आपको समझना। तो सबसे पहले हम लोग BOM देख लेते हैं कि BOM में क्या क्या है, हमारे क्या क्या मटेरियल्स लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सारा मटेरियल्स का लिस्ट दिया गया है कि क्या क्या लगने वाला है। देखिए, मैं इस स्टार्टर के अंदर MCCB का यूज किया हूँ, और ये MCCB के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे MCCB के लिए हमें क्या चाहिए, MCCB एक चाहिए, एक उसके लिए डोर चाहिए हैंडल, जिससे हम ओपन क्लोज कर सकते बाहर के साइड में। उसके बाद से MCCB के ऑक्सिलरी कंटेक्टर ब्लॉक होता है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम MCCB यूज किए, इसलिए हमारा 1 से 3 तक सेम है, MCCB के लिए ही लगा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे MPCB भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो MCCB भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, MCB भी। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सर्किट ब्रेकर लगाना चाहते हैं, कितना आपको सेफ्टी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से हमारा 4 नंबर पे आप देखेंगे तो दिया गया है पावर कंटेक्टर। अब पावर कंटेक्टर का क्या काम है कि जिसमें हम लोग सप्लाई देंगे, अब आगे आपको दिखा दूंगा, अभी मतलब थोड़ा नहीं समझाते क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा। पावर कंटेक्टर हो जाएगा, उसके बाद से एड एंड ब्लॉक हो जाएगा, और उसके बाद से OLR हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे फ्यूज भी लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है, इंडिकेटर लैंप लगा है ऑफ और ट्रिप के लिए। उसके बाद से यहाँ पे बटन भी चाहिए, जैसे में देखेंगे कि यहाँ पे जो है NO यूज किया गया है आपको एक बटन जो रहेगा स्टार्ट के लिए, और NC यूज किया गया है जो रहेगा स्टॉप के लिए, ठीक है। उसके बाद से इसमें सिलेक्टर स्विच भी यूज किया गया, सिलेक्टर स्विच भी देखिए कैसे 2 पोल के लिए है और 2-way स्विच है, ठीक है। और से कंट्रोल टर्मिनल्स लगेगा जिसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो अगर पैनल का आप देखे होंगे तो उसके अंदर टर्मिनल्स भी लगा रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा बिल ऑफ मटेरियल, जो हमें ये मटेरियल्स लगेगा बनाने के लिए। अब हम लोग इस चीज़ों में देखेंगे कि इसका पावर वायरिंग कैसे करेंगे और कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पावर वायरिंग देख लेते हैं। देखिए, ये जो ड्राइंग है इसी में पावर भी दिया गया और कंट्रोल वायरिंग भी दिया गया, और यही ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास सप्लाई मिला है कैसे, 415 वोल्ट सप्लाई हम लिए हैं, एक R के लिए, Y के लिए और B के लिए, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको दिख रहा है। और ये क्या है, मैं MCCB यूज किया हूँ, उसके बाद उसमें MCCB में हम लोग ये पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब ये सिंबल भी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो भी जरूर देखिए जिसमें आपको सिंगल आई डायग्राम क्या होता है, आपको पैनल के जब ड्राइंग आती है उसमें क्या क्या दिया जाता है, पूरा डिटेल्स में बताया हूँ 1x1 करके, तो वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। ये अब MCCB से क्या होता है कि आ जाता है हमारा तीनों लाइन कंटेक्टर में, जो मेन कंटेक्टर रहता है, और मेन कंटेक्टर में ही हमारा कनेक्ट रहता है OLR, तो OLR में दे देंगे। OLR में देने के बाद से हमारा वहाँ से OLR से आ जाता है मोटर के
अंदर, तो ये जो हो गया हमारा मोटर का कनेक्शन हो गया, ये पावर वायरिंग होता है। देखिए कि कितना इजी पावर वायरिंग है करना, इसका बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बंदे नहीं भी होंगे तो भी आपको ये सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा, बस आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो कितना आसान है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सप्लाई दी है, फिर हमारा MCB जो लगा हुआ है या MPCB या कोई भी सर्किट ब्रेकर लगा उसमें हम सप्लाई देंगे, और वहाँ से हमारा मेन कंटेक्टर में आ जाएगा, मेन कंटेक्टर के बाद से यहाँ पर OLR में आ जाएगा, OLR से हमारा क्या है कि मोटर में कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया पावर वायरिंग, जो देखेगा बहुत ही ईजी है और आसानी से आपको समझ में भी आ गया। मेन हमारा मकसद है यहाँ पे आपको समझाना कि कंट्रोल वायरिंग, क्योंकि बहुत लोग पावर वायरिंग तो जान जाते हैं पर कंट्रोल वायरिंग नहीं समझ पाते हैं, और इतना आसान कंट्रोल वायरिंग हमें नहीं लगता है कि कोई भी यूट्यूब पर समझाया होगा। मैं आपको सेम जो मैं यूज करता हूँ कंट्रोल वायरिंग, वो आपको कंट्रोल वायरिंग समझाऊंगा और वही आपको दूंगा भी, आपके साथ शेयर भी करूंगा उसी ड्राइंग को, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग को देखेंगे कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, एक एक करके बताऊंगा सारा स्टेप कि कैसे किया गया है, ताकि आपके पास जब ये ड्राइंग जाएगा तो आप सेम इस चीज़ों को कर सकेंगे देख देख के, ठीक है। तो हमारा मेन सबसे पहला अब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कंट्रोल बस बार लगाया हुआ है, और कंट्रोल बस बार से हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल ले ले रहे हैं यहाँ से और एक एक फेस ले रहे हैं। अब यहाँ से हमारा सारा खेल स्टार्ट हो जाता है कि कैसे हमें यहाँ से कंट्रोल वायरिंग करना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्या है कि लगा दिया हूँ फ्यूज, ठीक है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे फ्यूज लगाया गया है, और फ्यूज लगाने के बाद से आगे मैं कंट्रोल वायरिंग किया हूँ। आप चाहेंगे तो यहाँ पे MCB भी लगा सकते हैं कंट्रोल वायरिंग को कंट्रोल करने के लिए। अगर मान लीजिए आपको ऑफ करना है सारा कंट्रोल वायरिंग को, तो फ्यूज के जगह पे आप MCB भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से देखिए, एक क्या है कि यहाँ से हमारा पावर डायरेक्टली चला जा रहा है यहाँ पे, और एक आ जा रहा है हमारा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये नहीं, पहले ये इसको बता देता हूँ। देखिए ये किस में गया है, OLR में गया है, ठीक है, ओवर लोड रिले, ठीक है। अब OLR में जाने के बाद से आप देखेंगे कि दो जगह है, ठीक है, एक यहाँ पे दिया गया है जो 95 और 96 दिया गया, और ये NC है, 97 नंबर और 98 नंबर जो है आपका वो है यहाँ पे NO, ठीक है। अब NO का अलग काम है, NC का अलग काम है। तो हमारा जो मेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ड्रॉइंग में, जो हमारा है कंट्रोल वायरिंग, वो NC से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। OLR के बाद से यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे एक फ्यूचर इंटरलॉक लगा दिया गया है। अब फ्यूचर इंटरलॉक का किस लिए लगाया गया है, फ्यूचर में आपको कोई भी काम करना हो, यहाँ से आपको कुछ कंट्रोल लगाना हो, तो इस टर्मिनल से आप चाहे तो लगा सकते हैं, इसके वजह से आपको फ्यूचर इंटरलॉक दिया गया है। अब उसके बाद से अगर हम बात करें आगे का, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप बटन लग गया है, स्टॉप पुश बटन, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टॉप पुश बटन का टर्मिनल्स कैसा है, जैसे यहाँ पे रहता है तो एक ये पॉइंट दिया रहता है और एक ये पॉइंट दिया रहता है, तो आपको जो फ्यूचर इंटरलॉक से आ रहा है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और एक यहाँ से आगे लेके आ जाना है, ठीक है। ऐसा ही जैसे सेम आपको दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है कि कैसे कहाँ का वायर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको दो बार समझाऊंगा पर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं समझाऊंगा नहीं समझ में आया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक वायर जो ये आएगा यहाँ पे 95 पे कनेक्ट हो जाएगा और वहीं पे छोड़ देंगे, फिर आप उठाएंगे 96 से, और 96 से उठाने के बाद से आप एक फ्यूचर इंटरलॉक का दे देंगे। देखिए फ्यूचर इंटरलॉक के लिए मैं अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये NC करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ला देंगे, यहाँ से हमारा कहाँ पे आ जाएगा, पुश बटन के। पुश बटन का भी दो टर्मिनल्स होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हम यारा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, और यहाँ पे आगे कनेक्ट होने के बाद से देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया हमारा पुश बटन का एक, और उसके बाद से ये दूसरा टर्मिनल से, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये वायर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर एक वायर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद से हमारे पास एक और स्टॉप बटन लगा है, ठीक है। अब ये स्टॉप बटन एक पैनल के अंदर आता है और एक फील्ड में यूज किया जाता है, इसी की वजह से यहाँ पे दो यूज किया गया। तो दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से उठाने के बाद से हम यहाँ पे दे देंगे, फिर यहाँ से छोड़ देंगे, फिर दूसरा पॉइंट हम यहाँ से उठा लेंगे, और यहाँ से उठाने के बाद से हम क्या करेंगे कि सेलेक्टर स्विच जो हमारा है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग लेके आ जाएंगे सेलेक्टर स्विच को, ठीक है। अब सेलेक्टर स्विच पे आ जाएं, तो ये सेलेक्टर स्विच में क्या हो रहा है कि हमारा दो रास्ता यहाँ से बन जाता है। सेलेक्टर स्विच में क्या होता है कि हम लोग अभी तक तो यहाँ से एक आए रास्ते, अब सेलेक्टर स्विच के पास जैसे जाएंगे यहाँ पे दो रास्ता हमारा बन जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिया गया है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला जो हो जाता है ऑटो में एक यूज करते हैं और एक हम लोग मैनुअल में यूज करते हैं। ऑटो मतलब क्या है कि हमारे पास स्काडा है, तो स्काडा के थ्रू हम लोग इसको यूज करेंगे। अब मैनुअल मतलब ये है कि हम अपने हाथों से जहाँ पे फील्ड में है वहाँ पे इस चीज़ों को हम लोग ऑपरेट
करेंगे। तो अब हम दो रास्तों में से एक एक रास्ते पर चलेंगे, पहले एक रास्ते पर चलेंगे फिर दूसरे रास्ते पर चलेंगे। जैसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सिलेक्टर स्विच के पास आ चुका है वायर। अब इस वायर को क्या करेंगे कि यहाँ पे एक A1 और B1 लिखा रहता है, ठीक है, अगर आप सिलेक्टर स्विच को देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है। तो मैं A1 को मान लेता हूँ कि मैनुअल में हमें ऑपरेट कराना है, तो वहाँ से एक वायर उठाएंगे और एक वायर उठाने के बाद से मैं क्या करूँगा, जो मेरा मेन कंटेक्टर होगा, मेन कंटेक्टर का यहाँ पे एक इनो पॉइंट पे दे दूंगा यहाँ पे टर्मिनल्स एक साइड में, और वहीं पे इस चीज़ों को छोड़ दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक एनो टर्मिनल्स पे देना है मेन कंटेक्टर का और वहीं पे इस चीज़ों को छोड़ देना है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, पहले आप ड्राइंग पे इस चीज़ों को समझिए ताकि वहाँ पे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद से इसी में से लूप करके एक यहाँ पे दे देंगे टर्मिनल्स जो हमें फील्ड में लेके जाना होगा, ठीक है, फील्ड में लेके जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया और दूसरा टर्मिनल्स यहाँ पे है जो हमारे पास ऑलरेडी वहीं पे हमारा स्टार्ट बटन रहेगा जो PLC पैनल के अंदर होगा। अब देखिए ये क्या होता है, जो स्टार्ट बटन हमारा NO रहता है टर्मिनल्स में, ठीक है। तो एक टर्मिनल्स पे ला दिए और दूसरा टर्मिनल्स हमारा बचा हुआ। अब NO हमारा पास आपको दिख भी रहा है, जैसे मुँह जिसका खुला हुआ है वो NO होता है और जो जिसका सटा हुआ है वो NC होता है। अब देखिए जो ये है NO है, जैसे मुँह इसका खुला है, और ये जो है NC है जिसका मुँह दोनों सटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आप कन्फ्यूज नहीं हुईगा, ठीक है। अब इस रास्ते पर हम लोग आ गए। अब इस रास्ते के बाद से हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक टर्मिनल्स हम लेके आएंगे जो छोड़ देंगे बिल्कुल ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये तो जाएगा भी फील्ड में, तो वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। दूसरी हमारे जो कंटेक्टर मेन कंटेक्टर का जिस NO पॉइंट से ले रहेंगे उसका दूसरा पॉइंट हमारे पास खाली है, तो यहाँ पे हम लोग एक टर्मिनल्स ले लेंगे, वायर कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे, और ये वायर ले जाके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके साथ लूप कर देंगे जो हमारा स्टार्ट का जो पैनल के अंदर उस बटन से उसके पास में एक टर्मिनल से हम लोग लेके आ जाएंगे जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, और ये कहाँ पे जाएगा, मेन कंटेक्टर के A1 पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो मेन हमारा कंटेक्टर है ये कंटेक्टर उसका NO पॉइंट पे हो जाएगा। अब कैसे वर्किंग करेगा मैं उसको आगे बताऊंगा। यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा पास जो भी है ये देख रहे हैं कि ऊपर तक हमारा कनेक्शन आ गया है, ठीक है, कंटेक्टर के A1 पे हम लोग यहाँ पे दे दिए एक सप्लाई। अब हमारा A2 पे बच रहा है, A2 पे सप्लाई देने के लिए डायरेक्टली न्यूट्रल लिया के दे देंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा देर में। पहले इस चीज़ों को मैं समझ गया, एक रास्ते को समझ गए हम लोग, तो अब दूसरे रास्ते को हम लोग समझेंगे। दूसरे रास्ते मतलब क्या है, हमारा ऑटो का। यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक टर्मिनल्स दे देना है जो स्काडा PLC में भी देखिए यहाँ पे लिखा है PLC से हम लोग स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, तो ये करेंगे। उसके बाद से जो हमारा टर्मिनल्स ये जो गया था जो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए थे वो टर्मिनल्स यहाँ पे भी एक लिया के लूप करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे, यानी कि हमारा इतना देखिएगे अगर आप, तो हमारा वायरिंग यहाँ तक हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा वायरिंग यहाँ पे दोनों सारे साइड में, ये कंप्लीट हो चुका है इतना। अब जो बचा हुआ हमारे पास ये है ये चीज़ों को, ठीक है, जो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पावर लेके आए थे। अब यहाँ से हम लोग लेके आए थे ये चीज़ों को, एक ये था और एक ये था और एक ये था, तीन चीज़ें था। और ये तीनों चीज़ों के नीचे अगर देखेंगे आप तो ये है इंडिकेटर, यहाँ पे एक ऑन का इंडिकेटर है, एक ऑफ का इंडिकेटर है और एक ट्रिप का इंडिकेटर है। अब ये ऑन ऑफ और ट्रिप कहाँ कहाँ से आ रहा है, देखिए जो हम लोग डायरेक्टली सप्लाई यहाँ पे लाए हैं सबसे लास्ट में, तो ये है एक रिले के NO पॉइंट से लाए, यहाँ पे रिले भी हम लोग लगा रहे हैं, तो रिले के NO पॉइंट से लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक दे देंगे और दूसरा NO पॉइंट से उठाने के बाद से यहाँ पे ये कनेक्ट कर देंगे LED के, जो LED है हमारा ट्रिप का, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास वैसे ही सेम है कंडीशन, दूसरा नंबर को हम लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो NC का यूज किया गया, जो NO में NC में फिर से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है NO और NC इस चीज़ों में। तो यहाँ पे देखेंगे NO इसका मुंह खुला है और ये है NC जिसका मुंह बंद है। तो NO जो कंटेक्टर है मेन कंटेक्टर उसका NC से लेके आएंगे और इसमें हम लोग दे देंगे ऑफ का इंडिकेट का, और NO से लेके जो आएंगे वो हम लोग दे देंगे ऑन इंडिकेटर का। यहाँ पे सब डाउट सारे क्लियर हो जाएगा ना आपको, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली लेके आ रहे हैं। एक टर्मिनल्स पे देखिए लेके आएंगे, दूसरा टर्मिनल्स पे फिर छोड़ देंगे, उसके दूसरे टर्मिनल से यहाँ पे लेके आके दे देंगे। उसके बाद से एक चीज़ को और देखेंगे जो हमारे पास जो बचा हुआ है, ये है हमारे पास यहाँ पे 97 और 98 जो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लेके आके यहाँ पे यूज किए हैं। वो किस लिए यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ से हम लोग लेके आएंगे जो रिले लगाएंगे उस रिले को भी तो हमें ऑपरेट कराना होगा, तो उस रिले को ऑपरेट कराने के लिए ये दे दिए हैं रिले के, ठीक है। जो NC जैसे ही हमारा जो OLR है, वो OLR हमारा
एनओ से एनसी होगा। कब होगा एनओ से एनसी? जब हमारा ओएलआर ट्रिप होगा उस टाइम में एनओ से एनसी हो जाता है। और जैसे ही एनसी होगा तो हमारा ओएलआर जो लगा हुआ है ट्रिप कंटेक्टर के लिए, यहाँ पे दिख रहे हैं ट्रिप कंटेक्टर लिखा हुआ है, मेन कंटेक्टर को क्या करेगा ट्रिप करा देगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। अब देख लेंगे एक बार कि इसको वर्किंग कैसे करेगा, क्योंकि वर्किंग तो मेन है कि वर्किंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यों अब हम वायरिंग कर भी दिए अगर वर्किंग नहीं करेगा तो कोई इस काम का नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि कंटेक्टर होल्ड मेन करवाना रहता है वर्किंग करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि देखिए शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। सिलेक्टर स्विच से यहाँ से मैंने सप्लाई लिया है, तो अब क्या करना हूँ कि यहाँ पे मैंने दे दिया मेन कंटेक्टर का एनओ से यहाँ पे सप्लाई, और यहाँ से कब सप्लाई आएगा जब ये मेन कंटेक्टर हमारा ऑपरेट होगा। अब मेन कंटेक्टर कब ऑपरेट हो रहा है हमारा कि जब देखिए जब जैसे ही मैं ये पुश बटन मान लीजिए प्रेस कर रहा हूँ तो पावर सप्लाई यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो मेन कंटेक्टर के पास आ गया। और न्यूट्रल तो ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पे आ ही रहा है, तो न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है तो हमारे पास सप्लाई जैसे ही मिलेगा ये कंटेक्टर मेन कंटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। और मेन कंटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो एनओ है एनसी बन जाएगा, और जैसे ही एनसी बनेगा तो यहाँ से अब कंटिन्यू सप्लाई आने लगेगा, ठीक है। तो ये कंटेक्टर ऑपरेट ही रहेगा और मेन कंटेक्टर इसमें एक ही है जिसको हमें ऑपरेट मेन करवाना है, तो ये दोनों कंडीशन में काम कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा, तीनों स्टार्ट कंडीशन में काम कर रहा है, यानी कि मेन कंटेक्टर हमारा काम कर जाएगा। और स्टॉप करने के लिए कुछ भी नहीं, जो हमारा ये सर्किट पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो इस चीज़ों का अगर हम जैसे ही प्रेस करेंगे एक बार तो हमारा एनओ जो एनसी है वो हमारा एनओ बन जाएगा। एनओ जैसे ही बन जाएगा कि हमारा सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा और पावर कट हो जाएगा, तो फिर उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस ड्राइंग को क्या करूंगा कि अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके उस चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से हमारे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।